हाय गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज मैं करने वाली हूँ करवा चौथ मेकअप लुक। आज है 30 और 31 को मैं इसको अपलोड कर दूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। जिन लोगों को मेकअप का शौक है वो तो डेफिनेटली देखते ही हैं वीडियो। एंड आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट ये वीडियो आप लोगों के साथ में अपलोड कर रही हूँ, बट बीच में ना मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, तो कुछ ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। बिल्कुल भी ना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन सा नहीं कर रहा था, पता नहीं कि अंदर से ही सोच रही थी डेली वीडियो बनाऊँ, बट करते करते ऐसे बिल्कुल ध्यान कहीं और चला जा रहा था, मतलब मन ही नहीं लग रहा था वीडियो बनाने में। बट आज मैंने सोचा चलो वीडियो बना ही लेती हूँ, क्योंकि करवा चौथ है और कोई भी मेकअप लुक ना मैं नहीं चाहती कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्किप करूँ। कोई भी मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि अभी फेस्टिव सीज़न है, इनके दिवाली मेकअप आएगा, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक होते हैं, ये मैं चाहती हूँ कि ये वाले तो प्रॉपर मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा अभी अपने चैनल पर वर्क नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी। सो जल्दी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, ऐसे बोलते हुए ट्यूटोरियल को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने बालों को मान लूँगी, क्योंकि इस तरीके से ना मेकअप करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अपने बालों को इस तरीके से अच्छे से बांध लीजिए। सो गाइस सबसे पहले स्किन केयर से स्टार्ट करते हैं। तो स्किन केयर के लिए ना मैं सबसे पहले करवा चौथ स्पेशल में मैं यूज़ करूँगी इनिस्फ्री का ये शीट मास्क, बिकॉज ये ना मेरे पास रखा हुआ था और आज के दिन ना फेस पे बहुत ही प्यारा सा ग्लो भी आना चाहिए और पूरे दिन हमारी स्किन ना बहुत ही अच्छी लगनी चाहिए, मतलब हेल्दी लगनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए ये शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे वैसे कोलैबोरेशन में मिला था, बट दो मिले थे तो एक मैंने यूज़ कर लिया था एंड एक मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा आज यूज़ कर लेती हूँ। आपको बता भी दूँगी कि इसको यूज़ करने के बाद फेस पे अचानक से कितना ज़्यादा ग्लो आ जाता है। ठंडा, वैसे आजकल इतना ठंडा हो रहा है, ऊपर से ठंडा। जैसे अपने फेस पे लगा लिया है, अभी बिल्कुल बोलना नहीं है, आगे की बात मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसको मैं अपने फेस पे 15 मिनट रखूंगी, देन उसके बाद मैं उसको हटा दूंगी, ठीक है। तो 15 मिनट बाद मिलते हैं। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही रिलैक्स हुआ। और ये जितना भी मेरे फेस पे सीरम है ना, अच्छे से मसाज कर लूँगी। सो इसमें ना काफ़ी सारा सीरम बचा हुआ है, मैं क्या करूँगी, ये देखो आप, इसको वेस्ट नहीं करूँगी। आप ना इसको चाहो तो एक किसी भी कंटेनर में रख सकते हो, बट मेरे पास अभी कोई भी कंटेनर सारा गिर गया, शिट। ऐसे करूँगी अच्छे से एंड अपने हैंड्स पर लगा लूँगी, नेक पर लगा लूँगी इस तरीके से, ताकि ये वाला एरिया भी बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे फुल स्लीव्स पहनी है, बट अगर आपने हाफ स्लीव्स पहनी है तो आप पूरे हाथ पर भी इसे लगा सकते हो। इस पर काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, अच्छे से फेस पे इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। इसको अपने स्किन में ऑब्जर्व करना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ही लेट ये ऑब्जर्व होता है, काफ़ी देर तक हमें इस तरीके से मसाज करनी पड़ती है, बट इट्स ओके। अगर फेस पे ग्लो चाहिए तो कुछ तो मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ फेस कितना ज़्यादा हाइड्रेट लग रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया और अच्छा भी लग रहा है मुझे। बहुत दिनों बाद मैंने यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से। एनीवेज मैं बात कर रही हूँ अब सेकंड चीज़ की, तो सेकंड है मॉइस्चराइज़र। एंड मैं ना यार ये वाला मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं कर सकती, पता नहीं मैं अपने चैनल पर मॉइस्चराइज़र में मेरे को यही सूट होता है। बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र और भी हैं जो कि सबको सूट करते होंगे, किसी को ये नहीं होता है सूट, बट मुझे बहुत अच्छे से सूट होता है, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ बिकॉज बहुत ही अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है ये मेरी। चाहे कोई सा भी सीरम लगाया है, कुछ भी लगाया है ना, बट मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मॉइस्चराइज़र को कभी भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सेकंड, मैं सनस्क्रीन लगाना भी बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ, बिकॉज दिन का टाइम होगा करवा चौथ के दिन पे। आज तो मैं वीडियो आप लोगों के साथ में ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ बिकॉज करवा चौथ के दिन मैं भी थोड़ा बहुत तैयार होती हूँ। सो मैं सनस्क्रीन को कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। सनस्क्रीन लगाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सनस्क्रीन क्या करता है, हमको सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। सॉरी, और ये डमाको की सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, उसको एक बार ट्राई ज़रूर करना। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है गाइस मैं जल्दी से बदलती नहीं हूँ, जैसे कि मेरा मॉइस्चराइज़र हो गया, मेरा क्लिनज़र हो गया। मैं कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, बट उस लेवल पर नहीं अच्छी लगती जिस लेवल पर मुझे ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। 2 फिंगर रूल के हिसाब से लगा लूँगी अपने पूरे फेस पर। तो मैं यहाँ पे नायका का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड काफ़ी लंबे टाइम तक क्या होता है मेकअप ना टिका रहता है इसको लगाने के बाद, एंड जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो तो फिल अच्छे से हो ही जाते हैं। तो थोड़ी सी मैंने इसकी अमाउंट ली है एंड जहाँ पे मुझे ज़्यादा स्वेट आता है ना उस वाले एरिया पे लगाऊंगी, जैसे टी जोन एरिया। मोस्टली प्राइमर वहीं पे यूज़ होता है। सो अगर आप चाहते हो कि आपके फेस पे करवा चौथ के दिन बहुत ही प्यारा सा ग्लो आए, तो आपको ये स्टेप्स करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो मैंने किए हैं। आप ना पहले दिन फेशियल कर सकते हो, अपने फेस को स्क्रब कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी डेड स्किन होती है वो सारी की सारी रिमूव हो जाती है उस चीज़ से। सो मैंने पहले दिन क्या किया था, अपने फेस पे ना अच्छे से स्क्रब कर लिया था। मैं ना हम कभी भी ना जब मेकअप कर रही हूँ तो उस टाइम पे मैं कभी भी स्क्रब का यूज़ नहीं करती हूँ, बिकॉज उस समय क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उस समय पे मैं कभी भी मेकअप का यूज़ नहीं करती हूँ। आपको ना पूरे एक दिन तक अपनी स्किन को रेस्ट देना चाहिए ये सब चीज़ें यूज़ करने के बाद। सो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैंने कल रात को यूज़ किया था उसे, ताकि आज मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट रहे, जितनी भी डेड स्किन है सारी की सारी रिमूव हो जाए, और ऐसा ही हुआ। और आज मैंने ये सीरम यूज़ किया है और आप देख सकते हो फेस मेकअप के लिए एकदम रेडी है। आपको ना एकदम से मेकअप नहीं करना है, आपको 5 से 10 मिनट तक वेट करना है ताकि जितना भी आपने प्रोडक्ट लगाया है वो अच्छे से आपकी स्किन में लग जाए। स्किन बहुत ही अच्छे से प्रेप हो गई है मेरी। अब मैं यूज़ करूँगी एक स्ट्रोब क्रीम का, बिकॉज कुछ भी कर लो एक प्यारा सा ग्लो तो स्ट्रोब क्रीम से ही आता है ना। अब आप बोलोगे कि ये सब कुछ बोल रही है कि इससे ग्लो आएगा, बट एक जो बहुत ही प्यारा ग्लो आता है ना वो एक स्ट्रोब क्रीम ही आपको दे सकती है। सॉरी, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे मैं NYB की स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं मुझे बोलने में कितना ज़्यादा दिक्कत है यार। अब बहुत ही ज़रा सी यार, इसमें थोड़ी थोड़ा लूँगा मैं इसको। मम्मी के से बात कर रही हूँ, घर में मम्मी से बात करती हूँ। सॉरी, थोड़ी थोड़ी सी लूँगी मैं इसको। ऐसे लगा जैसे आप लोगों के सामने अभी लाड में आ गई मैं। एंड अब इसको अच्छे से काफ़ी सुना था मैंने इस स्ट्रोब क्रीम के बारे में। अगर आपको फुल डिटेल में इस स्ट्रोब क्रीम का रिव्यू चाहिए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बस यही चाहिए होता है एक स्पेशल डे के दिन कि आपका फेस बहुत ही प्यारे तरीके से ग्लो करे, ठीक है, ब्यूटीफुल सा लगे। सो जैसा मेरा अभी लग रहा है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा लाइट यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज दिन का टाइम होता है, हम जब रेडी होते हैं एंड कुछ भी बहुत ज़्यादा हैवी ना दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नायका का स्किन जीनियस हाइड्रेटिंग फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एंड ये ना मेरे फेस से थोड़ा सा डार्क है तो इसमें मैं यूज़ करूँगी ये ममर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन। दोनों को यूज़ करके मैं दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करती हूँ बोलने में। वेट ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी मैं यहाँ पे, ये एल्फ का आई थिंक, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने इसको वेट किया हुआ है और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं इसको। अब यूज़ कर रही हूँ मैं कंसीलर। तो मैं यहाँ पे ये वाला लैक्मे एब्सोल्यूट का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करूँगी। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रख रही हूँ मैं अपने मेकअप को, ठीक है। अब कंटूर के लिए मैं यहाँ पे कंटूर स्टिक यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे क्या है डबल चिन है। एंड NYB की ही मैं ब्लश यूज कर रही हूँ। डन। आज मैं ये मामाअर्थ का ग्लो फुल कवरेज कॉम्पैक्ट लगाने वाली हूँ। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ना मिलानी का ये ब्लश यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और इसमें ना हल्के से शिमरी पार्टिकल्स हैं। डस्ट ऑफ कर लेना है आपको। एंड बहुत ही ड्यूई सा लगता है इसको यूज़ करने के बाद फेस। कितनी प्यारी शाइन आ रही है। हाइलाइटर भी मत लगाओ, आप इस ब्लश को लगा लो, बहुत ही प्यारा ब्लश है। सो आई मेकअप के लिए ना मैं यहाँ पे ये के ब्यूटी की स्टिक यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये ना एकदम पर्पल कलर की है, एज अ लाइनर की तरह मैं इसको लगाऊंगी इस टाइप से और इसको अब ब्लेंड करूँगी। बहुत ज़्यादा मुझे आई मेकअप नहीं चाहिए, इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और फ्लफ़ी ब्रश की मदद से ये हल्का सा पिंक का कलर है ना, ये वाला, इसको अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए। ठीक, अब इस मेकअप को थोड़ा सा ग्लैम करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, शिमरी शेडो ले रही हूँ और इसके ऊपर बस मुझे यही करना है। ठीक है, हल्का सा रखना है। अब मैं दूसरी आइज़ भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे दोनों आइज़ मेरी कंप्लीट हो गई है। एंड इस स्टिक को मैंने ना अपनी आइज़ के नीचे भी लगाया, लैश लाइन पे, और हाफ पे लगाया, पूरे पे नहीं लगाया, और अच्छे से उसको ब्लेंड कर दिया। तो मैं लैशेस को कर्ल कर लूँगी। एंड यहाँ पे लॉरियल का वॉल्यूमाइज लैश पैराडाइज मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मैं। सच में बताऊँ तो मेरी आज तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ढीली हो रही है, मेरे को ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, और मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मेकअप भी कैसा हो रहा होगा। ये मस्कारा मेरा फेवरेट मस्कारा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अच्छे से वर्क कर जाता है। सो मैं ये वाली फॉल्स आईलैशेस लगा रही हूँ, ये है कोल किंगडम ऑफ लैशेस। ये बहुत प्यारी आई लैशेज है, इसने मेरे आई मेकअप को थोड़ा सा अच्छा कर दिया, वरना मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ भी ढंग का नहीं किया है। सो अपनी आईब्राउज को मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। एंड मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ ब्राउ बोन पे और आइज़ के इनर कॉर्नर। लिपस्टिक के लिए गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन की सुपर स्टे लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। एंड काफ़ी ना आउटफिट से मैच भी हो जाएगी मेरी, एक वाइन सा कलर है ये। अभी हेयर स्टाइल बना के मैं तुरंत आती हूँ। ठीक है, सो ये रहा गाइस मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड आप इस मेकअप को ना करवा चौथ भी नहीं, इवन आप इस मेकअप को दिवाली में, आगे फेस्टिव है, वेडिंग है, सब में कर सकते हो। बस आज मैंने जो मेकअप किया है बहुत ज़्यादा सेटल किया है, और मैं नहीं चाह रही थी, सच्ची बताऊँ तो मैं ऐसा मेकअप नहीं चाह रही थी, मैं अलग ही चाह रही थी कुछ, पर मुझसे नहीं हो पाया। आज मैं अंदर से बहुत ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, आई थिंक मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से ना मैं चाह रही थी वो मेकअप मेरा नहीं हो पाया। बट ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड ये जो चूड़ी देख रहे हो आप, मैंने ना ये 3 दर्जन ली थी ये चूड़ियाँ, और जिसमें से सिर्फ 1 दर्जन ही ये चूड़ियाँ ठीक आई है, और 2 दर्जन छोटी दे दी उन्होंने, पता नहीं क्यों मेरे साइज़ की दी नहीं। और अभी मैंने वो देखी तो मैंने बड़ी मुश्किलों से ये चूड़ी ढूंढ आन के पहनी है, थोड़ी सी मैचिंग करके। करवा चौथ में चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप मांग भी भरोगे। एंड मंगलसूत्र आपका जो कोई भी गोल्ड का सेट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आज रेड इसलिए नहीं पहना क्योंकि इससे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, शॉर्ट वीडियो, उसमें भी मैंने रेड कर रखा था सब कुछ, तो मैंने सोचा आज कुछ थोड़ा सा सटल सा हो जाए, तो इस वजह से मैंने ये वाइन कलर पहनाया है। और इस पर बहुत ज़्यादा, आप चाहो तो न्यूड कलर की लिपस्टिक भी लगा लो तो वो बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी अब फैशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपको रेड ही पहनना है करवा चौथ के दिन, आप कोई सा भी कलर पहन सकते हो और आप कैसा भी मेकअप कर सकते हो, बट वो अच्छा लगना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मेकअप है ना आज का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, पता नहीं मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, और परसों ही करवा चौथ है, मुझे किसी भी हालत में वीडियो शेयर करना ही था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रही हूँ अपने चैनल पे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी मेहनत कहीं कम पड़ रही है, मैं उतना नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए अपने चैनल के लिए। सो आज ये फेस्टिव है इतना प्यारा, अभी रोतड़ू बातें नहीं करेंगे, फिर कभी ये बात आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। बट सच में आजकल बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी काफ़ी टाइम से, आज 8 या 9 दिन हो गए, मेरी कोई भी लॉन्ग वीडियो नहीं अपलोड हुई है मेरे चैनल पे। सो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है मेरी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यार मुझे करना ही पड़ेगा ना, अगर मुझे अपना चैनल चलाना है, अगर मुझे आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करनी है तो आप लोग भी तो कुछ कंटेंट मेरा देखोगे, मुझे सब पता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं पता नहीं क्या डीमोटिवेट हो रही हूँ मैं। मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ। बस आई होप मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और मैं कंटिन्यू अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ। और अब मैंने सोचा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी अपना बेस्ट देने की। सो या यही था गाइज आज का वीडियो। जितने भी मैंने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं आज की वीडियो में, सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर लेना। आपको कुछ भी चाहिए होगा तो ईजिली आपको वहाँ जाके मिल जाएगा, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल, ये लुक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, बहुत ज़्यादा सटल सा है। एंड या यही था गाइज आज का वीडियो, आज का मेकअप ट्यूटोरियल। समझ में भी आया हो आई होप आपको, क्योंकि जिस तरीके से मैं समझा रही थी मुझे नहीं लगता कि समझ रहे होंगे आप, बट फिर भी ठीक है, कभी कभार होता है ऐसा, है ना। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू सो मच गाइज, बाय एंड हैप्पी करवा चौथ, बाय।